नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हरियाली तीज हो चुकी है, हरतालिका तीज आ रही है और हरतालिका तीज में फुलेरा, इसका बहुत ही महत्व है। आज हम फुलेरा के बारे में जानेंगे। तो ये फुलेरा जो है, ये पौराणिक मान्यताएं जो हैं उसमें हरतालिका तीज में जब शंकर भगवान की पूजा होती थी तो शंकर भगवान के ऊपर जलाधारी की जगह पे फुलेरा बांधा जाता है और फुलेरा जो है ये फूलों द्वारा बनाया जाता है। इसमें कम से कम 5 फूल होना बहुत ज़रूरी होती है। मान्यता है फुलेरा में जो बांधी जाने वाली 5 मालाएं जो हैं वो भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियां हैं, जया, विशहरा, समिलबारी, देव और दूतली। ये माला इनका प्रतीक है, इन चीज़ों के द्वारा बनाया जाता है। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि इस प्रकार हैं। एक तो है चिल बिनिया, नव कंचनी, नव बेलपत्र, सांगौर के फूल, हनुमंत सिंदूरी, शिल बिटई, शिवताई और वन रस्तोगी, हिमरतुली, लज्जाती, बिजरिया, धतूरे का फूल, धतूरा, मदार, तितपत्ती, बिजौरी, निगरी, रांग पुष्प, देव अंत, चरबेर, झानर पत्ती, मौसत पुष्प, अनेक प्रकार के शमी के पत्ते। तो इन सामग्री द्वारा ये फुलेरा बनता है। लेकिन आजकल तो मार्केट में सब बना बनाया मिल ही जाता है। कि मान्यता ये है कि पुराणों में वर्णित जो हरतालिका व्रत में जिन प्राकृतिक फूल पत्तियों और जड़ी बूटियों का वर्णन किया है उन्हीं चीज़ों का उपयोग करके ये बनाया जाता है। इस फुलेरे को बनाने में 4-5 घंटे का समय लग जाता है। फुलेरे की जो लंबाई होती है वो करीब 7 फीट की होती है। फुलेरा जो है ये तीजा पे ही बांधा जाता है और इस फुलेरे में कुछ विशेष प्रकार की पत्तियों और फूलों का प्रयोग होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।